करवाया था। जो आज भी अनेक लोगों की आस्था व विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इसी समय मुझे भरतहरि की नगरी के नाम से भी जाना गया। मैं भरतहरि मंदिर एवं औरंगजेब से जुड़ी एक कहानी भी जानता हूं, जिसमें मुगल शासक औरंगजेब द्वारा जब मेरे अटूट अंग के रूप में मौजूद भरतहरि मंदिर को विध्वंस करने का प्रयास किया गया, तो मंदिर के नीचे तल पर बने एक छिद्र से कामुक भवरे निकलने लगते हैं। अब जब औरंगजेब ने उन्हें भी नष्ट करने के लिए सरसों का गर्म तेल डलवाया, तो भवरे और अधिक संख्या में निकलकर उसकी सेना को नुकसान पहुंचाने लगे। तब औरंगजेब को अपने कदम पीछे हटाने ही पड़े और उसने मंदिर पर एक प्रमाण पत्र भी लगाया कि इस मंदिर को कोई शासक नष्ट नहीं करे। यह प्रमाण पत्र आज भी मंदिर में लगा है।